These are the phone mount from Peak Design, and iski ek achhi baat ye hai, it comes with the vibration damper. This is how it works. To ye dekho yahan pe aap logon ko ye vibration damping mil jata hai. Kuch is tarike se kaam kar raha hai. Kafi acha product hai yaar, matlab mere ko to personally kafi acha land. Yahan pe agar aap dekhoge na, bahut hi easy isko remove karna hai. Yahan pe jo hai is tarike se lag jata hai. वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टूडे आई एम एट लक्ष्मी बाइक सर्विस. तो बेसिकली जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं इंस्टॉल कराने के लिए आया हूँ, जो मैंने फोन माउंट देखा है दैट इज़ फ्रॉम पीक डिज़ाइन, इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको इंस्टॉल करवाएंगे यहाँ पे. एंड GPS माउंट का जैसे मैंने पहले सोचा था इसको हटाऊंगा, बट ना आई एम नॉट रिमूविंग इट. तो अभी देखते हैं और दो तीन चीज़ें हैं और हैं, मैं आप लोगों को अंदर दिखाता हूँ जाके. तो ये है देखो लक्ष्मी बाइक सर्विस, यहाँ पे आप लोग आ सकते हो, सारी सुपर बाइक की सर्विस हो जाती है. काफ़ी बाइक्स की ऑलरेडी सर्विस चल रही है, सुपर बाइक्स की भी है, यहाँ पे सर्विसिंग करा सकते हो आप लोग आके. एंड कुछ कुछ चीज़ें दिखा देते हैं आप लोगों को जो फ़ोन माउंट की मैं बात कर रहा था. सो दीज आर द फोन माउंट फ्रॉम पीक डिज़ाइन, एंड इसकी एक अच्छी बात यह है कि इट कम्स विद द वाइब्रेशन डैम्पर, तो इसमें अलग से आप लोगों को ख़रीदना नहीं पड़ता. जैसे कि कॉर्ड लॉक का अगर देखोगे तो वो चीज़ अलग से बाई करनी पड़ती है, अलग अलग अटैचमेंट एंड मतलब दो इंटीग्रेशन अच्छी रहती है. बट इसका क्वालिटी मेरे को ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि ये जो है एक तो मेटल है एंड प्लस कॉर्ड लॉक में जो रहता है वो पूरा प्लास्टिक रहता है, विच इज़ नॉट गुड. इसमें अलग अलग टाइप के माउंट्स आ जाते हैं. एक मोटरसाइकिल स्टेम माउंट आता है जिसमें आप लोगों को यहाँ पे फोटो में दिख रहा है ना, तो ये बेसिकली सेंटर में लगता है यहाँ पे इस तरीके से एंड ईजिली इंस्टॉल हो जाता है. जो ये पार्ट है वो मैग्नेटिक है, आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हो. दूसरा जो है ये इस तरीके का माउंट आता है, बेसिकली यहाँ पे आप लोगों का क्रैश बार जो हैंडल बार है वहाँ पे उस पर माउंट कर सकते हो, एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड. तो या तो ये वाला लगवाएंगे या फिर बॉल अडाप्टर वाला लगाएंगे. तो अगर बॉल अडाप्टर वाला लगवाते हो, दिस इज़ फ्रॉम पीक डिज़ाइन एंड यू कैन यूज़ द रैम माउंट. तो दो ऑप्शन है, अभी देखते हैं जो जो चीज़ें हैं इंस्टॉल करवाते हैं. एंड प्लस मैंने एक चीज़ और इंस्टॉल करवानी है, विच इज़ दिस प्रोस्पेक. ये मतलब क्रैश बार जो रहता है उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाता है, एंड दिस कम्स विद द बॉटल होल्डर ऑल्सो. तो अगर आप लोगों को बॉटल होल्डर जो है अभी यहाँ से चला गया उसको इंस्टॉल कराना है, तो ये भी चीज़ है अच्छी, लगवा सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता है. सो अभी यहाँ पे प्रोस्पेक इंस्टॉल करवा रहे हैं. एंड सो यू आर इंस्टॉलिंग टू राइट, वन ऑन द बॉटम एंड वन ऑन हियर. ओके, इट विल नॉट कम हियर, इट विल, बट आई गेस इट विल टच द पैनल. नो देखो ये वाला इंस्टॉल करा रहे हैं एंड दिस इज फ्रॉम पीक डिजाइन. अभी आप लोगों को इसको क्वालिटी दिखाता हूँ. तो ये इस तरीके से है एंड यहाँ पे आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा वाइड एंगल में नहीं बना रहा हूँ, मे बी शायद ज़्यादा क्लोजअप में दिखे, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. तो ये देखो यहाँ पे आप लोगों को ये वाइब्रेशन डैम्पिंग मिल जाता है एंड प्लस आप लोगों का जो फ़ोन का है कवर वो यहाँ पे इस तरीके से क्लिप है, इसको ओपन करोगे तो यहाँ से रिलीज़ कर देगा फ़ोन को. एंड अभी जो फ़ोन का जो केस है वो मैंने इसमें लगाया हुआ है, दैट यू हैव टू बाई सेपरेटली, उसका 3000 रुपीज़ कुछ आता है प्राइस. काफ़ी ईजी है, क्विक इंस्टॉलेशन है एंड इवन जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लगी. तो ये वाला एक इंस्टॉल कराएंगे एंड उसके अलावा देखेंगे कि जो रैम माउंट वाला है उसमें 1 इंच का रहता है वो इंस्टॉल कराएंगे, क्योंकि अदरवाइज अगर थोड़ा सा बड़ा वाला लेते ना तो वो जो फ़ोन है वो साइड में चला जाएगा, मतलब जो मेन BMW का जो क्लस्टर आता है, जो मेन BMW का डिस्प्ले आता है उसके साइड में चला जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा. तो ये दो चीज़ें इंस्टॉल कराते हैं, देन आप लोगों को वीडियो में दिखाते हैं. तो ये वाला जो है रैम माउंट, बेसिकली ये आप लोगों को इंस्टॉल होता है, इसके ऊपर जो है बॉल अडैप्टर लग जाता है. अदरवाइज आई मीन ये ऑप्शन जो होता है जो रैम का ही रहता है जिसमें कि फ़ोन माउंट हो जाता है, इसमें ओनली ड्रॉबैक इज यू डोंट गेट वाइब्रेशन डैम्पर एंड उसकी वजह से जो फ़ोन का जो भी सेंसर है, जो कैमरा सेंसर, वो इफेक्ट होता है, तो वो चीज़ सही नहीं है.
ये वाला देखो यहाँ पे बॉटल होल्डर लग गया है। ये इजी रहता है यहाँ पे लगाने में, क्योंकि यहाँ पे ना पानी की बॉटल आप लोग आराम से रख सकते हो, हाइड्रेशन बैग भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, इधर पे रख लो, थोड़ा तो गैप लोगे एंड इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। और थोड़ा सा जो ये प्रोस्पेक वाला है ना, ये जो गार्ड है हेल्प करता है आप लोग क्रैश बार को भी बचाने में भी। जैसे आज मेरा बाइक गिरा था तो वो चीज़ अगर इस पर लगता तो वो ये क्रैश बार का जो है ना पेंट उसको बचा लेता, तो चीज़ अच्छी है। यू कैन गेट इट इंस्टॉल्ड। ये सेम चीज़ मैं दूसरे साइड में लगवा रहा हूँ। ये तो की है, डाल के ओपन किया। ओके, ये की है इसका। हाँ, ओके, ये की है। वैसे ओपन नहीं होएगा, ऐसे ओपन नहीं होगा। एक बार लॉक हुआ तो कोई नहीं ओपन कर सकता है। ओके, अनटिल अनलेस ये वाला की नहीं है तो नहीं ओपन होएगा। बट अच्छा, ये वाला यहाँ पे यू क्लैंप वाला कौन सा है, इस वाले में अडैप्टर में जाके इधर पे लगेगा एंड इट विल कम लाइक दिस। ओके, आपका फोन होल्डर इधर माउंट, बट आई मीन इट विल बी, हाँ आई विल नीड इट समथिंग लाइक दिस। ओके, करके देखते हैं, बिकॉज इफ आई माउंट माय फोन हियर राइट, हाँ आई मीन इट विल लुक डिस्प्ले, हाँ आई मीन इट विल बी ऑन दिस साइड, नो इट विल नॉट लुक गुड। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इट ऑन दिस लेवल। सो ये चीज़ एक अच्छी है यहाँ पे कि आप लोगों को रैम माउंट में जो ये रहता है ना, इसका की जब तक नहीं लगाओगे तब तक आप लोगों को ये चीज़ आप लोग नहीं खोल सकते हो। तो ये चीज़ है थोड़ा सा, ये लॉक इसका अलग से आता है, यू हैव टू इंस्टॉल इट सेपरेटली, इसका अलग प्राइस रहता है। दिस इज़ द की, यहाँ पे आप लोगों की फ़िट हो जाती है, इसके अलावा आप लोगों की कोई खुलेगा भी नहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको घुमा देना है। तो ये जो फ़ोन है इस तरीके से माउंट हो जाता है, अभी देखो दोनों में ही आ रहा है, इट्स नॉट टचिंग यू नो। ओके, एंड यू कैन रिमूव इट लाइक दिस, दिस इज हाउ, आइदर यू कैन गो फॉर दिस और जो पूरा फ़ोन के साथ है उसके साथ भी ले सकते हो। बट सी, मतलब अच्छे से टच होके ना, सो मैग्नेटिक कैन ईजिली इंस्टॉल इट, मैग्नेटिक एंड स्लिम लॉक, स्लिम लॉक इट, या राइट वन फिंगर, सो इवन विद द वन फिंगर आल्सो वी कैन, नाइस, प्रेस लेफ्ट दिस साइड सेम वन फिंगर प्रेस लेफ्ट, नाइस। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो चुका है एंड फाइनली जो आप लोगों का जो मूवमेंट है, अब अगर फ़ोन यहाँ पे इंस्टॉल करते हो सो दिस विल मूव लाइक दिस एंड इसमें इनबिल्ट वाइब्रेशन डैम्पिंग आती है एंड उसी के साथ में इसको यहाँ पे इस तरीके से मूव करके देखते हैं। यहाँ पे देर इज़ अ गैप, तो यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ ओनली वॉट यू हैव टू चेक वाइल इंस्टॉलिंग इट एंड यहाँ पे देखो इस तरीके से आप फ़ोन यहाँ पे जैसे ही क्लिप करोगे एंड यहाँ पे फ़ोन का इनफ मूवमेंट रहता है, तो जिससे कि जो फ़ोन के जो कैमरा सेंसर्स होते हैं उस पर डैमेज नहीं होता। तो ये जो बॉल अडाप्टर है इसका प्राइस आ जाता है 4899 एंड उसी के साथ में अगर आप लोगों को फ़ोन केस चाहिए तो इस तरीके से फ़ोन केस आता है। और अदरवाइज़ एक इसमें सिर्फ जो यूनिवर्सल वाला, हाँ यूनिवर्सल स्टिकर रहता है वो भी आता है, विच यू कैन बाई इट फॉर 21 समथिंग राइट एंड इसका जो प्राइस है 3199 है। बट अच्छा है, मतलब केस काफ़ी प्रीमियम है एंड जो आप लोगों को क्वालिटी मिलेगी ना वो भी अच्छी है, जैसे कि बाकी जो मैगसेफ आते हैं एंड या दिस वर्क्स विद मैगसेफ। तो अगर आप लोगों के पास में बैटरी के लिए जो आता है आप लोग यहाँ पे पीछे क्लिप कर सकते हो एंड इट विल चार्ज योर फ़ोन और जो वायरलेस चार्जिंग जो भी रहती है अगर आप लोग इंस्टॉल करते हो तो ये चीज़ काम करेगी उसके साथ में। पीक डिज़ाइन का जो मैंने माउंट इंस्टॉल करवाया है उसका अभी टेस्ट कर रहे हैं एंड इस तरीके से कुछ दिख रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना बहुत ही इजी इसको रिमूव करना है, यहाँ पे जो है इस तरीके से लग जाता है। यहाँ पे अगर आप दोबारा वापस क्लैंप करते हो, क्लैंप पे अगर लगाते हो तो वो मैग्नेटिक मैग्नेट होने की वजह से वो उसको इमीडिएटली खींच के अच्छे से फिट कर देता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों को कॉर्ड लॉक की तरह यहाँ पे क्लिप करके देन उसको टर्न करना पड़ेगा। ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है एंड मेरे को मतलब सो फार
काफ़ी अच्छा लगा। अब जो ऑफ रोडिंग करेंगे आगे आने वाली राइड्स में, उसी में पता लगेगा कि बाकी जो परफॉर्मेंस है ऑफ रोडिंग में कैसा है। बेसिकली आईफोन में बहुत ज़रूरी रहता है, एंड इवन नॉट ओनली आईफोन, जो भी बाकी फ़ोन रहते हैं उसमें भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेंसर जो रहते हैं कैमरा सेंसर उसका बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एंड जो वाइब्रेशन डैम्पिंग है वो ऑलरेडी इनबिल्ट है, विच इज़ गुड, क्योंकि आप लोगों को अगर बाकी किसी भी ब्रांड में जो अगर देते हो तो जैसे कि SP कनेक्ट हो गया एंड देर इज़ वन मोर ब्रांड विच इज़ कॉड लॉक, तो अगर इन दोनों में से कोई सा भी लेते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये पड़ता है कि आप लोगों को अलग से वाइब्रेशन डैम्पिंग खरीदना पड़ता है। कहीं पे भी गड्ढा आएगा अगर ड्रॉप भी करते हो आराम से, मतलब गड्ढे में भी जाके कुछ नहीं होएगा, आराम से देखो इसमें वाइब्रेशन डैम्पिंग जो है दी हुई है काफ़ी अच्छी है। बाकी एक चीज़ बहुत ईजिली क्विकली अगर आप लोगों को जो फ़ोन है इसको सीधे लगाना है तो बस एक हाथ से आराम से निकल जाता है, देन इस तरीके से माउंट हो जाता है, तो ये चीज़ भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। तो मतलब आप लोगों को कॉर्ड लॉक में जितना डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है ना उससे मच बेटर है। तो अगर आप लोगों को बाई करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से बाई कर सकते हो। अब देखो मैं जानबूझ पे इधर पे चला रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि बेसिकली ऑफ रोडिंग करते टाइम पे भी इसका वाइब्रेशन डैम्पिंग कैसा है। ये देखो देखो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है यार, मतलब मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। जो अपने बाइक में है इंस्टॉलेशन, जो माउंट लिया है बेसिकली ये वाला, उसका इंस्टॉलेशन हो चुका है। एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वारीज है यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम ID नदीमल वी ब्लॉग्स। एंड जो क्वालिटी है धीरे धीरे आप लोगों को ना अभी पता लगेगा, क्योंकि ऑफ रोडिंग में काफ़ी मैं जाने वाला हूँ नियर बाई, मतलब अभी जो नेक्स्ट वीकेंड पड़ रहा है उसमें भी ऑफ रोडिंग पर जाऊँगा, तो आप लोगों को जरूर फीडबैक में बताऊँगा। एंड अगर कोई क्वारीज है इंस्टाग्राम पर मेरे को जो आप लोगों को आईडी आ रही है इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर कोई भी क्वेरीज है क्वेश्चन पे आपको सारे आंसर मिलेंगे। और बाकी जो है प्राइसिंग वाइज अच्छा है, मतलब जो इंटरनेशनल ब्रांड है सेम प्राइस में ही पड़ता है, बट क्वालिटी वाइज इट्स मच बेटर दैन द क्वाड लॉक, अगर आप लोग देखोगे धीरे धीरे पता लगेगा। और बाकी कुछ है तो आप लोग बता सकते हो। जिसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।